कुछ दिन ऐसे होते हैं ना जिस दिन बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है, और लेकिन मैं पर्सनली चाहता हूँ कि इस चैनल में मैं डेली वीडियो पोस्ट करूँ, तो फिर मुझे ध्यान आया कि पीटर मैकिनन ने आखिर 2 मिनट सीरीज क्यों शुरू करी है। हे वसो गाइस, दिस इज मुकेश जोशी, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑन दिस पर्टिकुलर चैनल। और आज की वीडियो सिर्फ और सिर्फ 2 मिनट वीडियो होने वाली है, जिसमें मैं बहुत ही छोटे टॉपिक की बात करने वाला हूँ। मैं बस चाहता था कि कुछ ना कुछ हेल्पफुल आपके साथ शेयर करूँ, और ये वीडियो मुझे लगता है बहुत सारे लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि मैं बताता हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप में से बहुत सारे लोगों के पास खुद की वर्डप्रेस वेबसाइट होगी, या फिर मैं उम्मीद करता हूँ कोई ना कोई आप में से ऐसा होगा जो बहुत सारी वर्डप्रेस वेबसाइट मेंटेन करता होगा, या फिर कोई ऐसा होगा जिसने एक ही सर्वर पे एक ही होस्टिंग के अंदर मल्टीपल वेबसाइट पेल रखी होंगी। अगर आप उनमें से हो तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। एंड विद दैट बीइंग सेड, टाइमर। जिन लोगों की वेबसाइट आज तक कभी भी हैक हुई होगी, उन्हें पता है कि जब भी आपकी एक वेबसाइट हैक होती है, आपकी सारी की सारी वेबसाइट हैक होती है। तो इस पर्टिकुलर चीज़ को हम सॉल्यूशन, इस पर्टिकुलर पूरी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या, या फिर मैं पर्सनली ऐसी चीज़ों को टैकल कैसे करता हूँ। मैं VPS, मेरे पास बहुत सारे VPS हैं, और हर VPS में मैंने मोस्ट ऑफ द टाइम 3, 4, 5, 6 वेबसाइट तो मैं रखता ही रखता हूँ, डिपेंडिंग किस वेबसाइट का ट्रैफिक कितना है और कौन सी वेबसाइट की इंपॉर्टेंस मेरी नज़र में कितनी है। जो कम रेवेन्यू जनरेट कर रही है वो ऐसी होती है, जो ज़्यादा जनरेट करती है जो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, या फिर जिन्हें हम कहते हैं प्राइमरी वेबसाइट, उनको मैं एक VPS में सिर्फ एक ही रखता हूँ। तो होता क्या कि जब एक VPS पे या फिर एक होस्टिंग में जब बहुत सारी वेबसाइट पेल देते हैं, तब और जब भी हमारी कोई एक वेबसाइट हैक होती है, तभी हमें रियलाइज़ होता है कि हमने कितनी बड़ी गलती कर दी। और उस चीज़ को बचने के लिए मेरे पास एक सॉल्यूशन जो हमेशा मैं करता हूँ, वो है हर वेबसाइट के लिए, हर वेबसाइट के लिए अपने होस्टिंग में या फिर अपने सर्वर पे एक नया यूज़र बनाना। आपने देखा होगा कि जब भी आप अपनी वेबसाइट के लिए, जब आप पूरी वेबसाइट के लिए डेटाबेस बनाते हैं, उसके लिए वेबसाइट को होस्ट करते हो या फिर पूरा कनेक्ट करते हो, तो आप एक ही यूज़र को यूज़ करते हो। पूरी वेबसाइट के जो पूरा सर्वर होता है उसका सिर्फ एक ही यूज़र को आप यूज़ करते हो, और सारी की सारी वेबसाइट की परमिशन सिंगल यूज़र की होती है। लेकिन अगर आप सिर्फ इतना कर दें कि हर यूज़र के पास अपना हर यूज़र के पास अपनी खुद की वेबसाइट, और हर यूज़र को परमिशन ना हो दूसरे वेबसाइट की फाइल को मॉडिफाई करने की या फिर इवन रीड करने की, तो आपका काम इतना ज़्यादा आसान हो जाएगा, आपकी वेबसाइट हैक होने से बच जाएगी। और अगर आपकी कोई भी एक वेबसाइट हैक होती है तो आपकी बाकी वेबसाइट इतनी अफेक्ट नहीं होगी। अगर इस चीज़ पर पूरी वीडियो चाहिए किस तरीके से ये सारी चीज़ें करनी चाहिए, तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लेट मी नो, एंड प्लीज़ मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल, बिकॉज आई पोस्ट रेगुलर वीडियो जस्ट लाइक दिस वन। और आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। आई डोंट नो टाइम कितना हुआ है, सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। पीस।